तो आज मैं इस वेल्डिंग मशीन के डिस्प्ले एंड कंट्रोल्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो ये थोड़ी सी ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन है। ये जब मैंने ये बटन प्रेस किया, अभी ये इलेक्ट्रोड 4.0 नंबर है, इस पर करंट है 150 एम्प्स। तो आपको जब इलेक्ट्रोड चेंज करना हो 2.5, आपको सिर्फ प्रेस ये बटन करना है तो आपकी करंट हो जाएगी 80 एम्पेयर्स की। आप फिर से दबा दीजिए ये बटन, अब 3.2 नंबर इलेक्ट्रोड करंट हो गई 120 इसकी। तो ये ऊपर कुछ डिस्प्ले के बटन है, पावर ऑन, मशीन जब पावर ऑन रहती है तो ये सिंगल फेज 220 वोल्ट का है, ये डबल फेज 380 वोल्ट का है, ये VRD फंक्शन है इसकी, ये फैन ऑफ है अभी, तो ये टेम्परेचर का कुछ लोग कुछ दिया गया है इसमें। तो आप करंट को मैन्युअली बढ़ा सकते हो, जब आपको करंट मैन्युअली बढ़ाना है तो आपको ये नॉब जो है रोटेट करना है क्लॉकवाइज। ये देखिए मैंने करंट बता दी इसमें, तो करंट में कर देता हूँ मैक्सिमम पर 275 एम्प्स पर इसकी। तो ये हो गई करंट 275 एम्प्स। अगर आपको आपको ये बटन प्रेस करना है तो आप देख लीजिए, ये आएगी, जब आपने ये बटन प्रेस किया तो ये आर्क फोर्स पर आ गई। अभी आर्क फोर्स है 24%। तो आपको फिर ये नॉब रोटेट करना है, प्रेस करना है, आर्क फोर्स पर लाना है, नॉब को रोटेट करना है, तो ये आर्क फोर्स हो जाएगा रोटेट करते करते, मैं 100 पर कर देता हूँ। तो इसका डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, डिस्प्ले में बहुत ही ऑटोमेटिक फंक्शन दी गई है इसमें। ये फिर से मैंने प्रेस किया तो हो गई हॉट स्टार्ट पर। अब जब हॉट स्टार्ट पहले 20% पर था, अब मैं इसको बढ़ाता हूँ नॉब को रोटेट करके, तो ये हो गई 100%। तो ये रही नंद बजाज की मशीन की डिस्प्ले, जो कि थोड़ी सी ऑटोमेटिक भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।